विद्युत कार्यालय पर संविदा कर्मचारियों ने दिया धरना। रामायण फोर्टेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के सुपरवाइजर पर अवैध वसूली का आरोप। ग्रामीण क्षेत्र से हटाए 12 संविदा कर्मियों को ड्यूटी पर लेने की मांग। फिरोजाबाद लेबर कॉलोनी फाटक के पास स्थित विद्युत कार्यालय पर उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन निविदा संविदा कर्मचारी संघ ने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान जनपद के ग्रामीण क्षेत्र में कार्य से हटाए गए 12 कर्मचारियों को कार्य से हटाए जाने को लेकर एवं अन्य मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान रामा इम्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड के सुपरवाइजर द्वारा अवैध वसूली का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ जांच कर कार्यवाही कर हटाने की मांग की। अन्य कई मांगों को लेकर भी प्रदर्शन किया गया। इस दौरान काफी संख्या में संविदा कर्मचारी मौजूद रहे। कंपनी के सुपरवाइजर के खिलाफ FIR हो। दूसरी बात, इसमें 10-10 हज़ार रुपये लड़कों से DD के नाम पर पैसे लिए हैं। 25-25 हज़ार रुपये, 25-25 हज़ार रुपये उन्होंने लिए हैं। 10-15 हज़ार के बीच में नौकरी के नाम पर ले रहे हैं। पुराने संविदा कर्मचारियों को हटा करके उनकी जगह नए संविदा कर्मचारी लगा रहे हैं। ये बहुत गलत बात है, जबकि माननीय MP साहब का आदेश है, माननीय MP साहब का आदेश है 5 अक्टूबर 2020 का। उन्होंने तत्काल कहा था कि किसी भी संविदा कर्मचारी को हटाया लगाया नहीं जाएगा जब तक माननीय MD साहिबा का इंटरफियर नहीं होगा, लेकिन उनकी भी अवहेलना की जा रही है। इसलिए हम आपके मीडिया के माध्यम से ये अवगत कराना चाहते हैं कि जो संविदा कर्मचारियों के साथ हो रहे शोषण के खिलाफ कम से कम एक हमारी संविदा कर्मचारियों की तरफ देखा जाए, जिससे इनके साथ हो रहे शोषण को रोका जा सके। धन्यवाद।